जाते हो बैठा राजू शेख का इस्तेमाल करते हैं। कमेटी की जानिब से जनाब आसिफ राजू शेख का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना कीमती वक्त दिया, मेहनत और लगन से साथ काम अंजाम दिया है। यहाँ तक के हर घर घर जाए मैं दावत देता हूँ इम्तियाज खान पठान को कि जनाब आसिफ राजू शेख जमात के सेक्रेटरी जनाब जुबेर अहमद सिद्धू सरदार साहब से दर्ज करूंगा कि फिरोज भाई की बदले बुलायत की दर पेश करें। मेरा नाम जिया अहमद शाबी वाले हैं, मैं भी सोशल वर्कर हूँ। मुझे इस बात की खुशी हुई कि हम तमाम लोग मिलकर सेठ को सुनकर लाए और हम इनसे काम ले। हमको क्या काम लेना है, ये लोगों से जो भी जमात वाले हैं इनको मिलना, मिल के जो भी काम लेना है इनसे काम लेना चाहिए। अब मैं जो काम करता हूँ खासकर ये बेवा औरतों के लिए मैंने काम किया है। आज जो 800 रुपये बेवा औरतों को जो मिलती हैं पेंशन, इसके लिए मैंने कोशिश की। पहले सिर्फ 100 रुपये था, आज 800 रुपये मिलने का कारण हम हैं। हमारी एक कमेटी थी हाजी मस्तान की, उस कमेटी के नाम से हम काम कर रहे थे, लेकिन बाद में वो कमेटी छोड़ के हमने इंडिविजुअल काम किया एक कमेटी से उसे, तो उसके अंदर अल्लाह ने हमको कामयाबी दी। और अभी हमारा एक इरादा है सरकार से, सेंट्रल सरकार से भी है और स्टेट सरकार से भी है कि जितनी भी बेवा औरतें हैं जिनको भी पेंशन मिलती है सरकार इनको फ्री में गैस देना, ये हमारा मुतालिबा है फ्री में गैस देना। और इनके मौत मिट्टी का जो भी खर्चा है सरकार उठाना, क्योंकि जो आदमी मर गया या जिंदा है वो सरकार को मालूम होता है और उस तरह से सरकार जो है ना पेंशन बंद भी करती है, क्योंकि आज आदमी मरने के बाद भी उसको पेंशन चालू ही है, उसके खाते में आ रही है। तो इसी तरह से हमारा और एक मुतालिबा चल रहा है सरकार से होने वाला है कि ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड जो भी बच्चे हैं सरकार इनको 20,000 रुपए स्टाइफंड देना हमारा मकसद है। अब सरकार अभी जो ऐलान करी है 2,000 देने का, 3,000 देने का, सरकार से भी और राज्य से भी इल्तिजा करेंगे कि ये जो काम के अंदर हमारा साथ दें, सरकार को भी कहना उनको समझाए। बस इतना कहते हुए मैं अपनी बात को पीछे अच्छे दोस्त फिरोज भाई, जमात में रियाज भाई, अच्छे दोस्त इम्तियाज भाई, अयाज भाई, बुजुर्गों, बच्चों, माए बहनों, बेटियाँ, आपके सबसे की दुआ से, आपकी सबसे मेहनत से ये इलेक्शन में हमारी हाथ में है। ये सिर्फ दुआएं और मेहनत है, और मेहनत हमारे उठक वाले आप बहुत करें, बहुत करें, मैं उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
चुन के तो अभी अगले 5 साल के बाद में मिलेंगे वो। जो काम करते हैं उनको शुक्रिया अदा नहीं करें तो हमारी गलती होती है। जो आपके लिए मेहनत करते हैं, जो आपके लिए मेहनत कर चुके हैं, वो हमारे मेरे बड़े भाई फिरोज भाई 10 साल लगातार 2008 से 2018 तक न्यू गांधीनगर का चेहरा ही बदल दिया था। तो सबसे पहले हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप रोड देख रहे हैं, गटर देख रहे हैं, खंभे के पोल देख रहे हैं, नहीं तो मेरे ख्याल से तो पहले आते स्टार्टिंग में बोले पहले से है ना याद रहेगा कि मेन रोड पे इतना इतना चिकट रहता है, आने जाने में तकलीफ होती थी। तो हर रोज सुबह में 6 बजे आके जब सब सोए रहते थे यहाँ के इंजीनियर्स को बुला के दिखा के काम करके जाते थे। तो आज जो 10 साल के बाद में भी सीमेंट रोड थोड़े बहुत खराब है लेकिन फिर भी अच्छे ही है कि चल फिर सकते हैं। आगे चल के मैं उनके ही लक्ष्य पे दौड़ते उनके ही दिखाए हुए रास्ते पे सबकी मदद और सबका काम करने की कोशिश करूंगा। तो वक्त भी लगता है, एक रात में नहीं होता, हर मेरे एक टीम एक रात में नहीं होती, ऐसे ऐसे एक 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 काम लेके काम करते जाएंगे। लेकिन इसके साथ इंजीनियर्स की भी जरूरत पड़ेगी, तो ऑपरेशन के वहाँ के पानी वाले की जरूरत पड़ेगी, आप लोगों की जरूरत पड़ेगी, जमातों की जरूरत पड़ेगी। और सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए, अगर आप अपनी गटर साफ रखना चाहते हैं तो उसमें प्लास्टिक मत डालिए, तो प्लास्टिक सड़ता नहीं है। अगर आप गटर में डालेंगे तो जाके पूरे आपके गटर को ब्लॉक करके छोड़ता है। गटर साफ रखिए, आपके घर के आसपास की चीज साफ रखिए कि बीमारी नहीं होती। आगे चल के आपको पूछूंगा मैं कि यहाँ पे क्या क्या है, सिर्फ थोड़ा सा गली ही नहीं पूरा न्यू गांधीनगर है, हर एक घर मुझे बनो उज्ज्वल नगर है, हर एक घर बनो। फिर आज जब करते हैं तो हमारा जब चुन के आते हैं हमारा फर्ज होता है हम अच्छा काम करें। मेरे दिल चीज है जो मुझे बहुत अहम है, सबसे पहले हमारे छोटे बच्चे स्कूल को जाते हैं, स्कूल अच्छे रहते हैं, स्कूल में पढ़ाई अच्छी है। दूसरी बात पानी, जो हर घर की जरूरत है, हमारी सबकी जरूरत है। अभी बारिश नहीं हुआ है तो पानी की थोड़ी किल्लत हो रही है, लेकिन जैसा वक्त जाता है तो फिरोज भाई ने बसंत कोल का जो फिल्टर हर घर में रोज पानी आने की जैसे कोशिश करेंगे, रोज पानी आने की कोशिश करेंगे। तीसरा हॉस्पिटल, हम अगर प्राइवेट हॉस्पिटल देंगे तो सबको मालूम है कि कितनी तकलीफ होती है, सभी को तकलीफ होती है। तो हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है उसको एक अच्छा जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल है वो बनाने की हम कोशिश करेंगे, वो कल कोशिश करेंगे। जो भी हमारी बहन बस में जाएंगी एसटी बस की या डीसी बस में, उसको टिकट फ्री रहेंगी। यहाँ से हम किधर भी जाएंगे, यहाँ का बच्चे अपने घर जाएंगे, जाके आने का रहेगा कहाँ तक पीछे का, यहाँ से बेंगलोर तक 500 किलोमीटर एयर कंडीशन बस में आपको बस फ्री रहेगी। हाँ मुझे क्या करो। दूसरी बात
हर घर का जो मीटर है एक एक घर को आपको 200 यूनिट फ्री दिया जाएगा। अगले महीने से जुलाई से चालू होगी स्कीम, बिल भरना पड़ेगा। तीसरा समझे में 2-2 हजार का रास्ता देख रहा हूँ। क्या चिंता नहीं सर, वो चेक फिक्र है। आधार कार्ड, आपका वोटर आईडी, आपका राशन कार्ड और आपका अकाउंट नंबर। एक घर में एक लिफ्ट जो बड़े रहते हैं, सबसे घर में बड़े जो रहते हैं जो माँ है, उनको 2000 रुपये उनके अकाउंट में 1 अगस्त से आने का चालू होंगे। अगर आप जब फॉर्म भर के देंगे तो आप ये सब पेपर तैयार रखें, हमारे गोपा जो हमारे बाकी जो भी होंगे हमारे, तो आपके पास फॉर्म लेके आएंगे और फॉर्म अपने घर के लिए जाएंगे। 400 रुपये जो मैं प्रयोग करता हूँ, मैं वो भर को देता हूँ, तुम्हारे कैसे पैसे मिलते हैं। तुम्हें पैसे अगर किसको देंगे मालूम पड़ा तो तुम्हारे पास 2000 रुपये कैसे आते हैं। किसी को एक नया पैसा देने की जरूरत नहीं होती। आप फॉर्म भर लेंगे, हमारे आपको दे देंगे, हम पहुँचा देते हैं। किसको कोई पैसा नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। मैं तो लोगों फंसाने में बहुत आने कल को लोगों का आजाद मोहल्ला में वो तो एक औरत 300 रुपये लेके ये करता वो करता हूँ, ये बहुत को फंसा रही थी। सब लेडीज साथ में थे सर मेरे। हाँ। तो आप किसी को पैसा मत दो, फंसाने को आते हैं लोग। अगले बार इंजीनियर है बोले, पूरे इंजीनियर की पूरा नहीं होगा तो हर गली में जो जो चीज़ की जरूरत है, या पानी का है, या गटर का है, या ड्रेनेज का है, या लाइट का है, तो वो लिंक लेके जाएंगे। जैसे हिसाब से भी काम करते हैं। चलो जो उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया है जुबेर साल का। देख रहे हैं। हर गली को देखेंगे, हर लोगों का ख्याल करेंगे। और 2000 का जो मसला है आप लोग फॉर्म भरो।